नमस्कार। द बोरिसी चैनल में मैं शिव कुमार वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बेटा हम कक्षा 10 विषय हिंदी के संस्कृत पचायिका पाठ का अध्याय नंबर 1 बाणसी का दूसरा वीडियो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बेटा इसमें संदर्भ मैं उस दिन आपको बताने को भूल गया था, तो आप लिखेंगे इसमें संदर्भ में प्रस्तुत रश्मियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत पचारिका के वारसी नामक शीर्षक से अवतरित या लिया गया है या उद्धृत किया गया है, ऐसे आप संदर्भ लिख सकते हैं। तो ये देखें मेरा पैराग्राफ 2 रह गए हैं, 2 पैराग्राफ हमने उस दिन आपको पढ़ाया था। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाक्यमस्य संस्कृत वाक्यमस्य संस्कृतेश आलोका सर्वत्र प्रसरता। मुगल युवराजा दारा सिकोहा अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् तेषां ज्ञानेन च अजय प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारिता। तो कह रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते, ऐसा मीन्स यह, नगरी मीन्स नगर, आगे कह रहा भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृत, संस्कृत भाषाच और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है, यानी यह जो नगर है यह भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। कह रहा इत एव मीन्स हो ही होता है और इत मीन्स यहां, यानी यहां से ही संस्कृत वाग्मस्य संस्कृतेश आलोकः सर्वत्र प्रसरतः। बता रहा है यानी बता रहे हैं इसमें कि देहे यहां से ही, यानी यहीं से, यत्र मीन्स यहीं से, एव मीन्स ही, फिर आगे कह रहे हैं संस्कृत वाग्मस्य यानी यत्र संस्कृत साहित्य, और कह रहा है यत्र संस्कृतेश और जो है संस्कृत का आलोका मीन्स होता है जो प्रकाश, सर्वत्र यानी सब स्थान पर या जो है सब कहीं, जो है प्रस्ताव मीन्स फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिको अत्रागत यहां पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत् अध्ययन किया, स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्। शाह मीन्स हुआ, तेषां मीन्स यहां के, ज्ञानेन ज्ञान से, जो है प्रभाविता अभवत् कह रहा है कि जो है प्रभावित हुआ, यानी वह यहां के ज्ञान से जो है प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम कारिता, कह रहा है इसलिए तेन मीन्स उसने उपनिषदों का अनुवाद, मीन्स अनुवाद पारसी भाषायाम यानी पारसी भाषा में कायता मीन्स करवाया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यानी यह नगर विविध धर्माणाम अनेकों धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पासुनाथ शंकराचार्य कबीरा कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा और अन्य बहवा मीन्स बहुत महात्मना अत्रागत यानी महात्मा अत्रागत महात्माना यानी इसका कहने का मतलब है महात्मा जो है अत्रागत यहां पर आकर के
और फिर कह रहे हैं सोबीयान विचारान जय प्रसारयन, अपने विचारों को फैलाया या अपने विचारों का जो है प्रसार किया था, ऐसा बताया है। आगे कह रहे हैं ना केवलम दर्शने साहित्य, ना केवल दर्शन साहित्य धर्मे धर्म अपित जो है कला क्षेत्र, यानी अपितु जो है कला क्षेत्र में भी इयम नगरी यानी यह जो है नगर विविधा नाम जय अनेकों प्रकार के जय कला नाम यानी अनेकों प्रकार के जो है कलाओं, शिल्पा नाम चा यानी शिल्पकारी और जो है चा मीन्स होता है और शिल्पा नाम मीन जो है शिल्पकारी के लिए जो है यानी जो है करते मीन्स लिए लोके विशदा यानी संसार भर में क्या है बेटा विशदा मीन्स यानी जो है प्रसिद्ध है। अत्रातया यानी यहाँ की कौशिक शाटिका यानी कौशिक मीन्स होता है बेटा रेशमी, शाटिका मीन्स साड़ियां, देशे देशे यानी देश या यानी देश देश या हर देश में सर्वत्र यानी सब कहीं पर इस प्राहंते मीन्स जो है पसंद की जाती हैं। अत्राया अत्र त्राया प्रस्तर मूर्तया जो है प्रसिद्ध, अत्र त्राया यानी यहाँ की प्रस्तर मूर्तया मीन जो है पत्थर की मूर्तियां प्रथिता मीन बेटा होता है जो है प्रसिद्ध है। यम निजा प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयत, कह रहा है कि यम निजा यानी यह अपनी प्राचीन परंपरा यानी जो है पुरानी परंपराओं का इदानीम इस समय भी परिपालयत यानी पालन कर रही है, यानी जो यह नगर है यह जो है अपनी जो है प्राचीन परंपराओं का आज भी पालन कर रही है। तथयो गीते कविभ्यः, अतयो जो है कवियों ने या जो है कवियों के द्वारा गाया गया है क्या गाया गया भैया या जो है कवियों के द्वारा कहा गया है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम मां सा काशी केन्मियते, कह रहा है कि मरणम मंगलम यत्र, मरणम मीन्स जहां का जो है मरना, यहां का यत्र मीन्स यहां या यत्र मीन हाँ यत्र मीन्स यहां, यहां का मरना मंगलकारी है। विभूतस यत्र मीन्स यहां, विभूतस विभूषण यानी जहां की विभूतस मीन्स जो है विभूति या भस्म, विभूषण यानी ही आभूषण है, विभूषण मीन्स आभूषण है, यानी जहां का मरना मंगलकारी है और कह रहा है विभूतस विभूषणम और जहां की भस्म ही क्या है आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कह रहा है कि कौपीनम मीन्स बेटा होता है लंगोट या जो है लंगोटी और जहां की जो है लंगोटी, कह रहा है कौशेशम यानी रेशमी वस्त्र है सा काशी केन्मियते, उस काशी को जो है किसके द्वारा मापा जा सकता है अर्थात काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो बेटा ये लेसन हमने आपको पढ़ाया, इसके बेटा आपको जो है प्रश्न उत्तर हैं वह आपको बता दिए जाएंगे, उसका नोट्स भी आप तक जो है पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू, अगले वीडियो में हम फिर अगला लेसन लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।